हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बंबूरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम हमारे आसपास बहुत सी तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, फैन, विंडो। ये जो चीज़ें होती हैं, इनको हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मूवमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ। इन बेसिस पर हम किसी भी चीज़ को, थिंग्स को लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो डॉग्स, कैट्स, प्लांट्स, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जबकि फैन, टेबल, विंडो, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस चैप्टर में हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फीचर होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम एक नॉन लिविंग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारा वर्ल्ड है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों से मिलके बना है। वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम हमारे चारों ओर बहुत सी तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। डॉग्स, कैट्स, प्लांट्स, यू, योर पेरेंट्स एंड बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स। ये सारी जो चीज़ें बता रखी है, ये क्या है, लिविंग थिंग का एग्जाम्पल है। डॉग्स, कैट्स, प्लांट्स, आप खुद, आपके पेरेंट्स, बर्ड्स, ये सब चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं। जबकि टेबल्स, फैंस, विंडोज, योर हाउस एंड साइकिल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। टेबल, पंखा, आपका खिड़कियाँ, आपका घर, आपकी साइकिल, ये सारे नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल हैं। सिमिलैरिटीज़ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है, सजीव और निर्जीव, ये जो चीज़ें हैं, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या इनके बीच में एक जैसा है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट इन मैनी वेज, बट दे ऑल्सो हैव अ फ्यू सिमिलैरिटी। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से अलग तो बहुत सी चीज़ों में होती है, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़, कुछ समानताएँ भी होती है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों ही चीज़ें किसकी बनी है, मैटर की बनी है। आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा, ऐसी चीज, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका वॉल्यूम हो, वो मैटर कहलाती है। मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है, वो मैटर की बनी हुई होती है। दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव शेप एज वेल एज मास। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों में ही क्या होता है, दोनों ही स्पेस कवर करती है और उनकी शेप भी होती है और मास उनका कुछ वेट भी होता है। बोथ आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट। दोनों ही किसी स्मॉल स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट आर कॉल्ड सेल्स इन लिविंग थिंग्स एंड मॉलिक्यूल्स इन नॉन लिविंग थिंग। तो वो छोटी से छोटी यूनिट जिससे लिविंग थिंग्स बनी होती है, वो कहलाती है सेल्स, और वो छोटी से छोटी यूनिट जिससे नॉन लिविंग थिंग्स बनी होती है, वो कहलाती है मॉलिक्यूल्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज सेल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज मॉलिक्यूल्स। दीज कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आइज। हम हमारी आँखों से डायरेक्टली इनको नहीं देख सकते हैं, ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम इन्हें नहीं देख सकते। टू सी दैम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप आर यूज। और इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप, आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप, इसके अंदर अलग तरह के लेंस लगे हुए होते हैं जो छोटी से छोटी चीज़ को हमें बड़ा करके दिखा देते हैं। ये जनरली लैब्स में मिलता है हमें। सो ये थे सिमिलैरिटीज़ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ नंबर ऑफ वेज। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंसेस जो है, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ है ग्रोथ, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रखे हैं, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, ये लिविंग थिंग्स में तो होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में
नहीं होते हैं। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ग्रोथ, हमारी जो बॉडी की भी आपने नोटिस किया होगा, जैसे बेबी बॉर्न होता है तो बहुत छोटा होता है, बाद में वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे ग्रो करके। वैसे ही अगर प्लांट्स देखें तो जब प्लांट्स सैपलिंग फॉर्म में होता है, छोटी सी कली होती है उसकी, तब वो बहुत ही छोटा होता है और धीरे धीरे वो ग्रो करके बड़ा ट्री बन जाता है। एनिमल्स के साथ भी यही चीज़ होती है। लेकिन जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि टेबल, अगर आप देखोगे तो टेबल जैसा था वैसा ही है, टाइम के साथ वो बड़ा नहीं हुआ। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन लिविंग का नहीं है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनको हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। मूवमेंट, हम मूवमेंट करते हैं, इवन प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। जैसे आपने सनफ्लावर का देखा होगा, सनफ्लावर्स सूरज की तरफ उसका मूवमेंट कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, हम हमारे ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी खुद की तरह के और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस और दे प्रोड्यूस एग। एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो उसकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं अलग अलग प्रोसेस से। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लिविंग्स में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग्स में नहीं पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने जैसे पढ़ा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल्स। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल, उनकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ग्रोथ होती है और उनकी एक टाइम के बाद में डेथ भी हो जाती है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उनको कोई भी सेंसेशन फील होता है उसको वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर हम जो भी फूड खा रहे हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है। रेस्पिरेशन, इसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके। रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट। एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अब हम इन्हीं के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग थिंग्स किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हमारी बॉडी जो सेल से बनी हुई है, सेल सबसे छोटा लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो अपने आप में अकेला सक्षम है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के काम करने के लिए। द सेल कैन बी कंपेयर टू अ ब्रिक विच फॉर्म्स अ बिल्डिंग। सेल को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग होती है, कोई भी बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वो किससे स्टार्ट होता है, ईंट ब्रिक से स्टार्ट होता है। छोटी छोटी ईंट जो है मिलके वो क्या करती है, पूरी बिल्डिंग बनाती है। तो उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी होती है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी जो आपको दिख रही है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी है, ठीक उसी तरह जैसे कि कोई बिल्डिंग बनी होती है ईंटों से। सम एनिमल्स आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल, सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल, उनकी बॉडी में एक ही सेल पाया जाता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा एसेट्रा। द नंबर ऑफ सेल्स डू नॉट चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ्स। ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बॉडी में हमेशा एक ही सेल होता है, ये बर्थ से लेकर डेथ तक इनकी बॉडी में एक ही सेल होता है। ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर डन बाय देम। तो जितने भी फंक्शन होते हैं जैसे एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, ये जो सारे फंक्शन हैं इनकी बॉडी के अंदर, सारे फंक्शन एक ही सेल के अंदर होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन सेल पाया जाता है, वो कहलाते हैं मल्टी सेल्युलर। मल्टी मीन्स मोर देन वन एंड यूनी मीन्स वन।
सो इसको अंडरलाइन कर लो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल पाया जाता है वो होते हैं यूनिसेल्यूलर, और जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल पाया जाता है वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर। लार्जर द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म द मोर द नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा नंबर के उसके अंदर सेल्स होंगे। हाउएवर ईच ऑर्गेनिज्म बिगन इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, लेकिन चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर है, हमेशा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ हमेशा एक सेल से ही चालू होती है। वो सेल फिर मल्टीप्लाई करते रहते हैं, नंबर्स में बढ़ते रहते हैं और ऑर्गेनिज्म ग्रो करता रहता है, बड़ा होता रहता है। अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलकर एक ही काम करते हैं, एक फंक्शन करते हैं, वो कहलाते हैं टिश्यू। कई सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसको अंडरलाइन कर लो। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या होती है, सेल्स होती है। सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएगा और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, आपने जैसे डिफरेंट सिस्टम पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सब क्या है, ये ऑर्गन सिस्टम है। इस ऑर्गन सिस्टम जैसे अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ऑर्गन सिस्टम है। उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टमक होता है, लीवर होता है, इंटेस्टाइन होती है, तो वो ऑर्गन है। अगर उस ऑर्गन के अंदर और हम छोटे छोटे पार्ट्स देखें कि वहाँ पर कौन से जो सेल्स है, सेल्स का ग्रुप है वो क्या काम कर रहा है, तो वो है टिश्यूज़। और सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है सेल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर बोल सकते हैं। यूनिसेल्यूलर जो एक सेल से बने हुए होंगे, मल्टीसेल्यूलर जो मोर देन वन सेल से बने हुए होंगे। से ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं। सो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि है न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव, ग्रो एंड डेवलप। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको खाना चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, उनकी बॉडी की ग्रोथ हो उसके लिए, और उनकी बॉडी में डेवलपमेंट भी होता रहे, विकास भी होता रहे इसके लिए। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो भी अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, उसके लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। इट प्रमोट्स ग्रोथ, फूड से हमें फूड हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लांट्स आर द मेन फूड प्रोवाइडर टू ऑल द ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको मेनली खाना जो मिलता है वो प्लांट से मिलता है। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने ये सब पढ़ा है, यू आर वेरी फैमिलियर अबाउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज रॉ मटीरियल एंड ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और सनलाइट से वो सूरज की रोशनी को लेते हैं, सनलाइट को लेते हैं, और फिर अपना खाना बनाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, तो ऑटोट्रॉप्स मतलब वो सेल्फ अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हैंस दे आर कॉल्ड हीटरोट्रॉप्स। हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं हैं, या सारे जो एनिमल्स हैं वो हीटरोट्रॉप्स हैं। दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे या तो वो एनिमल जो है वो डायरेक्ट प्लांट को खाएगा अपने फूड में, या फिर वो ऐसे एनिमल को खाएगा जो खुद क्या खा रहा है, प्लांट खा रहा है। तो
डायरेक्टली तो प्लांट खाएगा तो डायरेक्टली डिपेंड हुआ, या फिर और किसी एनिमल को खा रहा है, और वो प्लांट अगर किसी वो एनिमल किसी और प्लांट को खा रहा है तो वो उस पर इनडायरेक्टली डिपेंड हुआ। तो हमारे नेचर के अंदर अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉप्स जो है दैट आर ओनली प्लांट्स, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनको हम हिटरोट्रॉप्स बोलते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट वी आर गिवन एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हम ये चीज़ पता करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट गमले में जैसे उगा हुआ जो प्लांट होता है वो लेंगे, और एक रॉक पत्थर का टुकड़ा ले लेना। दोनों को एक डार्क रूम में रखेंगे, ऐसी जगह पर जहाँ पर लाइट और एयर नहीं है। हमें प्लांट को 2-3 डेज तक वाटर नहीं देना है। 2-3 डेज बाद जब हम देखेंगे तो हम प्लांट और एनिमल में सॉरी प्लांट और रॉक में हमें कुछ डिफरेंस दिखेगा। प्लांट जो है 2-3 दिन तक जब आपने उसको पानी नहीं दिया, उसको लाइट और एयर से दूर रखा है, तो वो मुरझा जाएगा, जबकि रॉक जो है वो एज इट इज़ रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज हम नोटिस नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पे दोनों को सेम कंडीशन में रखा था, फिर भी प्लांट में चेंजेस हुए लेकिन रॉक में चेंजेस नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्लांट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जबकि रॉक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है मूवमेंट। मूवमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजिशन में अगर चेंज होता है या उसकी किसी भी पार्ट की पोजिशन में अगर कुछ चेंज होता है तो वो कहलाता है मूवमेंट। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मूवमेंट। जस्ट अंडरलाइन दिस डेफिनेशन, ये मूवमेंट की डेफिनेशन है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर कोई पार्ट की पोजिशन बदल जाती है तो वो मूवमेंट कहलाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट इन सम वे और द अदर। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोई ना कोई तरह का मूवमेंट ज़रूर शो करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। प्लांट एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और ऐसा जो मूवमेंट होता है कि वो अपनी पूरी प्लेस जो है उनकी जो लोकेशन है वो ही बदल रहे हैं वो कहलाता है लोकोमोशन। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर इन सर्च ऑफ शेल्टर्स टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोकोमोशन करते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं। या तो वो एक जगह से दूसरी जगह खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, पानी ढूंढने के लिए जाते हैं, या फिर उनका जो घर होता है शेल्टर रहने की जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। कई बार उनके पीछे उनके एनिमीज हो पड़ जाते हैं तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भी वो लोकोमोशन करते हैं। लिजार्ड क्रॉल्स, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम। लिजार्ड चिपकली जो होती है वो क्रॉल करती है, रेंगती है, बर्ड्स उड़ती है, फिशेस जो है वो तैरती है। मतलब इन सब का जो ऑर्गेनिज्म हम ये पढ़ रहे हैं इनका अलग अलग तरीका है मूवमेंट करने का। एनिमल्स ऑन लैंड यूज़ लेग्स फॉर मूवमेंट। और जो एनिमल्स लैंड पर रह रहे हैं वो अपने लेग्स पैर का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट करने के लिए। मूवमेंट्स इन प्लांट इज़ नॉट विजिबल एज दे आर डीप रूटेड। प्लांट्स के अंदर हमें एनिमल्स में जैसा मूवमेंट दिखता है वैसा नहीं दिखता है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो ज़मीन के अंदर की तरफ होती है और हमें नहीं दिखती है। बट दे शो मूवमेंट, लेकिन फिर उनके अंदर मूवमेंट तो होता ही है। रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड लीव्स टर्न टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो जिस डायरेक्शन में उनको वाटर मिलेगा उस डायरेक्शन में मूव करती है, जबकि लीव्स जो है ऐसे डायरेक्शन में मूव करती है जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके। सनफ्लावर, लोटस एंड वाटर लिली फ्लावर्स टर्न टूवर्ड्स लाइट ऑफ द सन। सनफ्लावर, लोटस और वाटर लिली के जो फ्लावर्स होते हैं ये उस डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं जिस तरफ सनलाइट है। लीव्स ऑफ मेमोसा प्लांट ड्रूप व्हेन टच्ड। लीव्स ऑफ मेमोसा प्लांट को हम टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। जब हम इसको टच करते हैं तो इसकी लीव्स सिकुड़ सी जाती है, बंद सी हो जाती है। तो ये भी प्लांट में मूवमेंट शो करा जा रहा है कि प्लांट्स में किस तरह का मूवमेंट होता है। सो एनिमल और प्लांट दोनों का जो मूवमेंट है वो अलग अलग तरह का है। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी टू। यहाँ पे हम खुद फाइंड आउट करोगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे मूव करते हैं। जैसे स्नैक क्रॉल करता है, रेंगता है। सी हॉर्स पानी के अंदर होता है, द
तो ये स्विम करता है। इस तरह से आपको ये टेबल सेल्फ फिल करनी है। अमीबा, अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी के अंदर मिलता है, तो ये भी स्विम करता है।